संडे सुबह मिस्टर रमन की डेथ हो जाती है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे क्राइम सीन पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन मर्डर नाइफ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। मर्डर रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स रमन की सिस्टर शमा, भाई मनन और छोटा भाई श्याम से मिलते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से किसी ने उसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच सकते हैं? मर्डर वेपन पे कोई भी निशान नहीं थे, मतलब खूनी स्मार्ट था, ग्लव्स पहनकर आया था। वो बाकी जगह अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों छोड़ेगा? मेहुल घर की अच्छे से तलाशी लेता है तो उसे किचन के डस्टबिन में ग्लव्स मिल जाते हैं। मेहुल समझ जाता है कि खून किसी घर के व्यक्ति ने ही किया है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? खूनी अगर कोई बाहर का आदमी होता तो वो खून करके भाग गया होता, घर के अंदर ग्लव्स नहीं फेंकता, और वो भी किचन में आके। मेहुल फिर घर के सारे लोगों से पूछताछ करता है। तीनों भाई बहन कहते हैं, हम तो सुबह से रूम में ही थे। मेड कहती है, वो ऊपर के रूम की सफाई कर रही थी। कुक कहता है, वो तो सुबह से बीमार था, ऊपर वाले वर्कर रूम में सो रहा था। गार्डनर कहता है, वो तो सुबह से ट्रीज में पानी दे रहा था, घर के अंदर आया ही नहीं है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। कैसे? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? रूम में देखिए पैरों के निशान है, वही पैरों के निशान किचन में भी है, और गार्डनर जहाँ पानी डाल रहा है वहीं पे गीली मिट्टी है जो पानी के वजह से हो गई है। अब कोई बाहर गया नहीं, मतलब मिट्टी सिर्फ गार्डनर के पैरों से ही अंदर आ सकती है, इसलिए खूनी गार्डनर है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है।